ढाई साल की एक बच्ची की मौत पर उत्तराखंड के रुड़की में हंगामा हो गया। जिस बच्ची की मौत हुई उसके पिता ने अपनी ही दूसरी बीवी पर हत्या का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। रुड़की में ढाई साल के मासूम की हत्या की सूचना से हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाला नदीम नाम का युवक चंडीगढ़ में काम करता है। उसका पहली पत्नी से तलाक हो गया था, जिससे उसकी एक ढाई साल की बेटी थी। नदीम ने कुछ महीने पहले दूसरी शादी कर ली थी और पत्नी बेटी के साथ चंडीगढ़ में रहने लगा। बीते रोज उसकी ढाई वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और फिर नदीम और उसकी दूसरी पत्नी शव को लेकर रुड़की आ गए। बताया गया है कि रुड़की आने के बाद नदीम ने अपनी पत्नी पर बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सौतेली मां ने आरोपों को कबूल करते हुए बताया कि बच्ची के रोने की आवाज की वजह से उसने उसे कंघे से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, सही थी। मेरे पास हुई है। सुबह उठी, बच्ची को कुछ नहीं था। 9 बजे मैं वहाँ पे रूम दिखाने लगा, जिस रूम में रहता था उस रूम की जिम्मेदारी मेरे पे थी। ठीक है, मैंने वहाँ पे रूम दिखाया। इसके बाद मैं 11 बजे इसको दूध ला के दिया। इसने उसको दूध पिलाया, खिचड़ी वगैरह खिलाई। मैं 2 बजे बाल कटिंग कराने के लिए चला गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास आना था रुड़की। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के इसने बच्ची के साथ क्या किया इसने मुझे नहीं बताया। बारिश हो रही थी, मैं बाहर से भीग के आया, मैं सो गया। उठा मैं 7 बजे, देखा था बच्ची बोली नहीं तो मैं उसको हाथ लगाता था, बच्ची को एकदम बोलती थी पापा। जैसे ये बोली नहीं, मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले बोला कि बेटा आपकी बॉडी, ये बेटी डैड है बिल्कुल। अच्छा। इसको मारा गया। वही जानकारी पाकर सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर के सकलानी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामला चंडीगढ़ में होने की बात कहते हुए वही कार्यवाही करने की बात कही और दोनों पक्षों को समझा कर शांत करवाया। पैदा भी 2 साल की लड़की इनके साथ में आ रही थी, और जो दूसरी पत्नी थी, इनका आरोप यह है कि दूसरी पत्नी ने उसको मारा है। ये चंडीगढ़ की घटना है, और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। सच्चा तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ मुकदमा दर्ज कराएँ। ये लोग लड़की को लेकर के दफन कफन के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है सिविल लाइन पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है। आगे की कार्रवाई जो भी है वो चंडीगढ़ से होगी। फिलहाल जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी पत्नी का, दूसरी पत्नी का, उसको उसके मायके भिजवाया गया है ताकि उसके साथ ही उसकी घटना ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।